जी बिल्कुल, पहला मार्च है जिसमें विरोध नहीं है, निवेदन है और शुक्रिया भी है। तो विद्रोह या विरोध की भावना के साथ किया गया पैदल मार्च नहीं है, ये निवेदनात्मक रूप से किया गया पैदल मार्च है। खासकर मुख्यमंत्री महोदय जी से, जो हम सभी वर्गों के लिए OPS का प्रावधान फिर से लागू किया गया है, उसका धन्यवाद देने के साथ कुछ और मांगे जो युवा वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए आवश्यक है, उनके लिए ये पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक बहुत बड़ी मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाली और उसके अलावा कर्मचारी कल्याण की जो नीतियां चलाई जा रही है सरकार की ओर से, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए राजस्थान के कर्मचारी जगत के संपूर्ण इतिहास में, या मैं कहूँ राज्य का पहला कर्मचारी संगठन होगा टीम नूतन शिक्षक संगठन, जिसके द्वारा वर्तमान सरकार के 5वें वर्ष में कर्मचारियों के हित में किए गए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री की जय घोष करते हुए यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है। कोरोना के अंदर इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का दायित्व वहन किया था चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, उन सभी को नियुक्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से संविदा कर्मी साथी उपस्थित है, उनको मैं अवगत करा दू इस पार्ट का मूल उद्देश्य आवश्यक है, उनके लिए ये पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। ये पहला मार्च होगा जिसमें थैंक यू भी है और रिक्वेस्ट भी है। जी जी बिल्कुल, पहला मार्च है जिसमें विरोध नहीं है, निवेदन है और शुक्रिया भी है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक बहुत बड़ी मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाली और उसके अलावा कर्मचारी कल्याण की जो नीतियां चलाई जा रही है सरकार की ओर से, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए राजस्थान के कर्मचारी जगत के संपूर्ण इतिहास में, या मैं कहूँ राज्य का पहला कर्मचारी संगठन होगा टीम नूतन शिक्षक संगठन, जिसके द्वारा वर्तमान सरकार के 5वें वर्ष में
कर्मचारियों के हित में किए गए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री की जय घोष करते हुए यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इस पैदल मार्च के अंदर हम सर्वप्रथम संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हृदय से आभार देते हुए इस बजट के बाद में शेष कुछ हमारी मांगे हैं, जैसे आम कर्मचारी की है, शिक्षकों की है, संपूर्ण राजस्थान के संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांगे है, प्रशिक्षित युवा बेरोजगारों की मांगे है और उसके अलावा बाड़मेर जिले को संभाग मुख्यालय बनाने की मांगे है। इन मांगों का निवेदनात्मक मांग पत्र हम मुख्यमंत्री जी को इस पैदल मार्च के माध्यम से प्रेषित करना चाहते हैं और हमारे को पूरी अपेक्षा है और मुख्यमंत्री जी हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।